खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 150 सालों के इतिहास के बाद इस बार 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी वाले दिन चार ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे चार राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। चार राशि वाले लोगों के घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। अचानक से धन का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही कर्ज से भी अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, इस बार पूरे 150 सालों के इतिहास के बाद जया एकादशी पर चार ऐसे दिव्य संयोग बनेंगे जिससे आप लोगों को चार गुना तक ज्यादा फायदा मिलेगा। सुख समृद्धि के साथ ही माता लक्ष्मी जी की तो कृपा होगी ही, साथ ही चार राशि वाले लोगों को मकान, वाहन, आभूषण और कीमती वस्तुएं खरीदने का योग भी बन रहा है। तो चलिए एक-एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो चार सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही जया एकादशी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्धम ओम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है उसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी पर माता लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आती है और साथ ही शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के व्रत से सभी तप, यज्ञ और मंत्र आदि का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार 2024 में 20 फरवरी के दिन जया एकादशी पड़ रही है और साथ ही पूरे 150 सालों के इतिहास के बाद जया एकादशी वाले दिन त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है। उसके अलावा प्रीति योग, आयुष्मान योग और रवि योग का महासंयोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग बनने से चार राशि वाले लोगों को अपार रूप से धन का लाभ मिलने वाला है। चार राशियों के घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो चार सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां। चलिए बात कर लेते हैं जया एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर धुतकार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जो भी इनको नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहां पर टेम्पो को सड़क पर घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल का यह पवित्र दिन एकादशी का तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एकादशी वाले दिन भरपेट भोजन करा सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटू सकती है।
चलिए जान लेते हैं मित्रों, जया एकादशी पर जो त्रि पुष्कर योग, प्रीति योग और आयुष्मान राजयोग के साथ ही रवि योग का जो संयोग बना हुआ है ना, इसके बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जया एकादशी जो है वो बहुत ही अच्छे दिन लेकर आएगी। एक तो एकादशी पर जो चार महासंयोग बन रहे हैं उससे आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, उसके अलावा आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अगर नौकरी या जॉब में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी चल रही है तो वो दूर होगी। कारोबार में भी अच्छी कमाई मिलेगी, धन कमाने के धन लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे और परिवार के जीवन में भी खुशहाली प्राप्त होगी। जो भी वृषभ राशि वाले अगर नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, तो इस बार 20 फरवरी के बाद आपके प्रमोशन की बातचीत शुरू हो सकती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अपार रूप से धन का लाभ हासिल होगा। साथ ही जो भी कुंवारे लोग हैं उनका विवाह का संयोग भी बन सकता है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि जया एकादशी वाले दिन आप सफेद वस्त्र और तिल का दान करें। इससे अगर धन संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है तो उन तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में प्रवेश करके आपकी आर्थिक दरिद्रता यानी कि गरीबी को दूर करेगी। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर गु गे गो सा सी सु से सो और दा से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी 20 फरवरी वाले दिन जो आयुष्मान राजयोग बन रहा है और प्रीति राजयोग बन रहे है ना, उसके प्रभाव से लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ धन है तो वो मिलने की उम्मीद है। बाकी आप अपने करियर में विशेष रूप से प्रगति करेंगे और जो आपके अधिकारी वर्ग के व्यक्ति है ना, वो आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे। ऑफिस में आपको कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप अपने बच्चे के करियर से जुड़ी कोई भी अच्छी खबर हासिल कर सकते हैं। परिवार में जो आपका माहौल है ना, वो बहुत ही अच्छा और खुशनुमा बना रहेगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा और साथ ही कार्य क्षेत्र में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। धन लाभ होने के बेहतरीन अवसर आपके हाथ लगेंगे और साथ ही जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, उन लोगों को तो इतने अच्छे अवसर प्राप्त होंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिलेगा। साथ ही साल 2024 में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अचानक से धन लाभ का योग भी बना हुआ है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ में दीपक लगाकर शनि मंत्र का जाप करें। उसके अलावा आप चाहें तो काले तिल का दान भी कर सकते हैं। इससे कुंडली में जो शनि की 7.5 चल रही है उसका दुष्प्रभाव कम होगा और माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शनिदेव की कृपा से आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, शेयर मार्केट सट्टा लोटरी इनमें से आपको अचानक से धन मिल सकता है या नहीं, आखिर क्या कहते हैं आपके भविष्य के सितारे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं,
आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए जो अभी जया एकादशी पर आयुष्मान योग और प्रीति राजयोग का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। एक तो आपको माता दुर्गा की कृपा से मकान और वाहन का सुख प्राप्त होगा, उसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल हो सकता है। नौकरी के संबंध में अच्छा प्रस्ताव मिलेगा, कारोबार में आपके लिए धन लाभ के अवसर आएंगे और साथ ही पारिवारिक संबंधों में मधुरता रहेगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में मजबूत होगी। मेष राशि वाले लोगों को जो नौकरी करते हैं ना, कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और उसके अलावा आपको कोई भी अच्छा पद मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। संतान की तरफ से भी खुशखबरी है, पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने का योग है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप जया एकादशी वाले दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें, इससे घर की गरीबी यानी कि घर की दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर बो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी जया एकादशी पर जो प्रीति राजयोग बन रहा है और आयुष्मान राजयोग बन रहा है ना, यह किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा। एक तो आपको एकादशी के बाद बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, उसके अलावा करियर में उन्नति होगी। जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनका मुनाफा 2 गुना तेजी से बढ़ेगा। आपके घर में भौतिक सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। आप अपने काम पर फोकस करें, स्वास्थ्य का ध्यान दें, बाकी समय जो है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम बना हुआ है। मकर राशि वाले लोगों को भी उपाय बताया गया है कि जया एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ में दीपक लगाकर भगवान शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें और साथ ही पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बने मिठाई का भोग माता लक्ष्मी जी को लगाएं। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ जया एकादशी के अपडेट से जुड़ी इस जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।